इससे बनने वाली केंचुआ खाद कितनी अच्छी है। देखिए ये कितना केंचुआ है इसमें, कितना केंचुआ, देखिए कितना केंचुआ है इसमें। इसका जो है जो भी इसका सैलरी निकला है बायोगैस से, उसको जो है और भी अच्छा भुरभुरा बर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है, और साथ में जो है इसका खेत में बहुत उत्पादन बढ़ता है। इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती डालने की, और साथ साथ में इसमें जो है ये टैंक में को जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डेली निकाल देते हैं इसमें से। देखिए ये टैंक में भी जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसमें टैंक में से हम निकाल देते हैं इनको हाथ से, ऐसे नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर रहते हैं टैंक में भी। तो इसे आप बेड में भी डालते हैं? अब इसमें बेड में डालने की आवश्यकता नहीं है। बेड में दिखाओ आप। जागर सिंह ये बेड क्या मैंने बनाया है, लेकिन बेड में तैयार हो रहा है खाद मेरी। नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपको लाए हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के ग्राम कुवी में, और हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं अपने जो किसान हैं, और ये एक प्रकार से जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मिसाल कायम की है इन्होंने वो की है जो बायोगैस प्लांट है, इससे जो गोबर निकलता है उससे बनाते हैं बर्मी कंपोस्ट अर्थात केंचुए का खाद। एक तीर से दो दो निशाने, और आम के आम और गुठलियों के दाम, और ये तैयार कर रहे हैं गैस की गैस तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, और अपने खेतों को ये लहरा रहे हैं इस प्रकार जैविक खेती से, और दूसरे किसान भाइयों के लिए भी एक मिसाल बने हुए हैं। तो हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ये अपने हैं मास्टर रमेश सिंह। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। बंधुवर नमस्कार, मेरा गांव कुवी है, नाम रमेश सिंह, पिताजी का नाम श्री सीताराम, मैं ग्राम कुवी का मूल निवासी हूँ। इससे एग्रीकल्चर में आने से पहले जो पैतृक पेशा है, इससे पहले मैंने शिक्षण कार्य में अपना योगदान दिया था, और आने वाली सरकार जब 1914 में माननीय मोदी जी की सरकार आई तो जैविक कृषि की ओर हमारा ध्यान गया। हमारे गांव की एक मूलभूत समस्या है जागरण सिंह जी, हमारे यहाँ अब तक लगभग 30-35 लोग कैंसर से मर गए हैं। मैंने इस पर अनुसंधान किया कि क्यों मर रहे हैं हमारे गाँव में ही इतने व्यक्ति कैंसर से, तो इसका मरने का मूल कारण मेरी दृष्टि में आया खोज में कि मेरे गांव में रासायनिक खेती ज़्यादा की जा रही है। हाँ, उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक। हाँ। और जो रासायनिक खाद है, पेस्टिसाइड का बहुत मुख्य योग है, और उसमें साथ साथ में रासायनिक खादों का योग है। तो मैंने किसानों को बताया भैया इसको छोड़ो, इससे हटो, जैविक खेती की ओर आ जाओ, पेस्टिसाइड छोड़ दो, बर्मी कंपोस्ट अपनाओ, और इससे निजात मिल जाएगी। इस बार भी 5 व्यक्ति अभी तत्काल लगा के इस 14 तारीख से, और आज 18-17 तारीख है, इस बीच में 5-4 व्यक्ति खत्म हुए। तो इस प्रकार का रेशो हमारे यहाँ बहुत घातक है। मैं भी सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव का TDS पानी का चेक किया जाए, मिट्टी चेक की जाए, जैविक खेती की ओर एक शिविर हमारा भी लगवाया जाए कृषि विभाग की तरफ से। संजीव जो हमारे अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी, उनके माध्यम से हमारे गाँव में एक गोष्ठी कराई जाए जैविक के ऊपर। अब मैं अपना जो है जो मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका मैं 2000 से पहले से लाभ ले रहा हूँ और आपको अवगत करा रहा हूँ, उससे यह है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट से मैं बना रहा हूँ जैविक केंचुआ खाद, बर्मी कंपोस्ट खाद। हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पिट बर्मी कंपोस्ट बनवाती है, बाजी किसान के पास पैसे नहीं होते, कहाँ से लाए पैसे बनाने के लिए, फिर उसकी देख रेख के लिए डेली उसके ऊपर छावा करो, पानी डालो, गोबर डालो। इससे बचने के लिए मैंने एक सरल तरीका अपना लिया है कि जो मेरा बर्मी कंपोस्ट टैंक है या गड्ढा है बर्मी कंपोस्ट का, बायोगैस प्लांट के ही माध्यम से उसको जोड़ दिया है। जो मेरी गैस ये मीथेन गैस गोबर गैस से बनती है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। साल भर में मैं एक भी इंडेन गैस का सिलेंडर जो LPG गैस है उसको मैं लेने ही नहीं जाता, जबकि मेरे पास कनेक्शन भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इससे गैस तैयार करते हैं, और गैस का उपयोग आप घर के गैस का उपयोग जागरण जी गैस का उपयोग हम भोजन में काम में लेते हैं, गर्म पानी करने में काम में लेते हैं, और जो बची हुई सैरली है इससे हम जो है बर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। आप देखेंगे कितना अच्छा बर्मी कंपोस्ट उत्पादन हो रहा है इसका, मैंने अपनी फसल में इसी को लगाया गन्ने में। और उसके साथ साथ जो गोबर निकलता है बाहर उससे आप केंचुए का खाद तैयार करते हैं, केंचुए खाद तैयार, इससे तो दोहरा लाभ हुआ। एक तीर से दो शिकार हुए, एक तो रासायनिक खादों से बचेगी खेती हमारी,
मुर्दा का जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरे पेस्टिसाइड हम इसमें नहीं लगाते हैं, गौमूत्र से हम जो है बनाते हैं पेस्टिसाइड अपने जो तैयार करते हैं। कुल मिलाकर के हमारी बचत ही बचत है खेती में, पेस्टिसाइड से भी और खाद से भी, और हमारी जो घरेलू गैस है ना एलपीजी गैस, उससे भी हमारी बचत हो रही है। अब सिलेंडर हो गया समथिंग 1000 का, तो आपको तो सारे पैसे बचते होंगे। हाँ, टोटल पैसा एक भी सिलेंडर हमें भरवाना नहीं पड़ता, 12-13 हज़ार रुपये हमारा जो है ईंधन में, रसोई ईंधन की गैस में खर्चे से बच जाता है। तो हर किसान भाई को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक तो गोबर गैस लगवाइए, जो भी योजना सरकार की हो, प्रधानमंत्री की हो, राज्य सरकार की हो, इससे दोहरा लाभ है। आपके पशुओं के माध्यम से उत्पादन होने वाला बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, गौमूत्र से आपका जो पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा, नाइट्रोजन तैयार हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लाभ में जाएंगे। और हमारे गांव की जो पहले किसान जो लगाते थे बायोगैस प्लांट को, उसमें पानी बाल्टी से ला के डालने में उसको दिक्कत होती थी, डेली डालने से वो परेशान हो जाते थे, कहाँ तक लाएँ और कहाँ तक घोलें। और हमने जो है इसको जो है अपने ट्यूबवेल से पानी का सिस्टम जोड़ दिया, इसका पानी इसमें जाएगा और हाथ से आप घोलिए और उसमें जो है टैंक के अंदर चला जाएगा, गोबर गैस के टैंक में घुल करके गोबर गैस टैंक में चला जाता है। यहाँ से आप गोबर डाल, ये इसमें गोबर डो है, इसमें जो है पाइप लगा हुआ नीचे अंदर को जाने के लिए टैंक में, तो घुल करके उसके अंदर कम समय में और कम मेहनत में प्रतिदिन आप घोल करके इसमें जो टैंक में भेज सकते हैं। और सुविधा हो जाएगी, अगर महिला गृहिणी इसको नहीं करती है और किसान इससे परेशान है कि कैसे डंडे से घोल दीजिएगा, अगर हाथ में जो है गंदगी समझते हैं, तो इसमें जाने के बाद गैस तैयार होती है। इसमें जाने के बाद पाइप है, ये पाइप है, गैस जा रही है, ये हमारे रसोई घर में जा रहा है पाइप। इससे बनने वाली कैचुआ खाद कितनी अच्छी है देखिए, ये कितना कैचुआ है इसमें, कितना कैचुआ देखिए, कितना कैचुआ है इसमें। इसका जो है जो भी इसका सैलरी निकला है बायोगैस से, उसको जो है और भी अच्छा भुरभुरा बर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है, और साथ में जो है इसका खेत में बहुत उत्पादन बढ़ता है, इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती डालने की। और साथ साथ में इसमें जो है ये टैंक में को जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डेली निकाल देते हैं इसमें से, देखिए ये टैंक में भी जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसमें टैंक में से हम निकाल देते हैं इनको हाथ से, ऐसे नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर रहते हैं टैंक में भी। तो इसे आप बेड में भी डालते हैं? अब इसमें बेड में डालने की आवश्यकता नहीं है, बेड में दिखाओ आप। गगन सिंह, ये बेड क्या मैंने बनाया है, लेकिन बेड में तैयार हो रहा है खाद मेरी, जो कि बर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है, कितना फर्स्ट क्लास तैयार है इसके, कितने फर्स्ट क्लास बर्मी कंपोस्ट इससे तैयार हुआ है, और इसको इकट्ठा किया जा रहा है, खेती में डालते हैं, गन्ने में सारा वर्मी कंपोस्ट लगा करके खेती का भूमि सुधार, भूमि स्वास्थ्य संरक्षण बहुत अच्छा हो गया है। आप लोग भी जो है तैयार कीजिए और कम लागत में खेती तैयार हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों ये जो मॉडल बनाया है हमारे मास्टर रमेश सिंह जी ने, इस मॉडल को अपना कर आप अपनी खेती को कर सकते हैं, पूर्ण रूप से जैविक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, इसके साथ साथ गैस भी तैयार कर सकते हैं और गैस में आत्मनिर्भर हो सकते हैं और गैस का पैसा ही बचेगा। उसके साथ साथ ये केंचुए का खाद, ये बर्मी कंपोस्ट भी तैयार होगा, जिससे खेती हमारी सुलभ होगी, सस्ती होगी, और सबसे बड़ी बात है कि ये कीटनाशक रहित होगी, और जो विभिन्न बीमारियाँ कीटनाशकों के प्रयोग से, रासायनिक खादों से प्रयोग से हो रही हैं, उससे ये मानव जाति बच सकेगी। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।